नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस कॉस्मेटिक ट्रबल की जो आपको कोई नुकसान तो नहीं देते हैं लेकिन आपको उसको महसूस करके कतई अच्छा नहीं लगता है। वह है वॉट्स, मस्से। मस्से हमारे कहीं भी निकले हों, हमारी खूबसूरती पे एक दाग होते हैं और हमें परेशान करते हैं। हम लोग जैसे ही मस्सों को देखते हैं, जो कि एक 5 से 6 महीने बाद जब आपको इन्फेक्शन होता है, उसके 5 से 6 महीने बाद वो आपकी स्किन पे दिखते हैं। आप कोशिश करते हैं उसको चाहे लेज़र कराएं, चाहे उसमें कोई पेंट लगा के, पेंट एक जो पेंट्स आते हैं मस्से जलाने के, वो जला के बहुत लोग अगरबत्ती से यानी किसी भी तरह से इससे छुटकारा पा लें। बात सही है, छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। होम्योपैथी में इसको दूर करने की बहुत कारगर दवाएं हैं, उनका इस्तेमाल करके आप परमानेंट रूप से हमेशा के लिए मस्सों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम बताएंगे मस्सों को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यह वॉट्स या मस्से होते क्या है। बहुत लोग हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं जिनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब मस्से क्या है, कैंसर हो गया, क्या हो गया, क्यों मेरे ये मस्से हो गए, घबराए रहते हैं। तो साथियों, मस्से जो है वो स्किन पे एक ग्रोथ होते हैं, स्किन की ही एक ग्रेनी ग्रोथ होते हैं, जो कि आपको डॉट्स, पिन या हल्का सैलिवेटेड दाने या लटकती हुई स्किन के फॉर्म में दिखते हैं। यह जो है आपको HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होते हैं और यह आप में पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स साथियों, जैसा हम सब जानते हैं कि मस्से जो स्किन का, अगर हमें एलिवेटेड स्किन की ग्रोथ दिखती है, कभी वो लटकती हुई ग्रोथ होती है, कभी वो चिपकी हुई ग्रोथ होती है, जिसमें कि कोई एक्टिविटी नहीं होती लेकिन वो पड़े रहते हैं, तो वही जो स्किन की ग्रोथ है वही वार्ट्स होती हैं, डार्क कलर्ड होते हैं और आप आसानी से उसको पहचान लेते हैं। बात कर लेते हैं इसके कॉजेस की। मस्से HPV नाम के वायरस से होते हैं और यह जब भी आपको इन्फेक्शन होता है उसके लगभग 6 महीने बाद आपके मैनिफेस्ट होते हैं, 6 महीने बाद दिखते हैं। और यह मस्से आज की बात नहीं है, यह आज से 3000 साल पहले जो इजिप्ट की मम्मी डिस्कवर हुई हैं उनमें भी मस्से पाए गए हैं और शेक्सपियर ने भी अपनी कविताओं में मस्सों का यानी वॉट्स का जिक्र किया है। तो यह बड़ी ही कॉमन चीज़ है और HPV इसका कॉज है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका कॉज है। मस्से कहीं भी हो सकते हैं और उसके हिसाब से उस पर तमाम क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं। प्लांटर वॉट्स हो गए, जेनाइटल वॉट्स हो गए। यहाँ मैं बता दूँ, जेनाइटल वॉट्स कभी कभी कैंसरस हो सकते हैं, तो अगर आपके जेनाइटल यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में वॉट्स हैं तो उसको आप गंभीरता से ज़रूर लें, क्योंकि वह कभी कभी कैंसरस हो सकते हैं। उसके अलावा स्किन पे वॉट्स हो गए, गर्दन पे होते हैं, बहुत लोगों के चेहरे पे होते हैं, कान के आसपास होते हैं, इस तरह तमाम तरह के वॉट्स होते हैं। कुछ कॉलीफ्लावर लाइक होते हैं, कुछ फिलीफॉर्म होते हैं, कुछ फिग लाइक होते हैं, तमाम तरह के वॉट्स होते हैं। हम आपको अब बताते हैं इसको दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि कोई भी आपको वॉट की समस्या हो, एक बार आप कुशल चिकित्सक को जरूर दिखा लें, उसके प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें। इस वीडियो में बताई गई या किसी भी वीडियो में बताई गई दवा का स्वयं परीक्षण करके ना लें, इससे आपको कभी नुकसान भी पहुंच सकता है। आइए चलते हैं उस सफ़र पे जिसमें हम आपको बताते हैं वॉट्स यानी मस्सों को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। होम्योपैथी में मस्सों को दूर करने की सबसे कारगर नंबर एक दवा है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। आप लोग इससे वाकिफ भी होंगे, बहुत लोगों ने जब मस्से हुए होंगे तो थूजा का इस्तेमाल भी करा होगा। आपने थूजा का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक करा है। अगर आपके पेडेंकुलेटेड वॉट्स हैं यानी लटकने वाले वॉट्स हैं, वह शरीर में कहीं भी हों, तो जो लटकने वाले वॉट्स हैं उसको दूर करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा थूजा है। आप थूजा 1 mg पावर की, हम तो अपने क्लिनिक पे सीधे थूजा 1 mg सुबह दोपहर शाम पेशेंट को दे देते हैं, क्योंकि उसका हम रिस्पॉन्स अच्छा देखते हैं। जल्दी ही मस्से 1 महीने से 2 महीने में सूख के गिर जाते हैं, बशर्ते वो लटकने वाले मस्से हों। उस स्थिति में होम्योपैथी में वॉट्स को दूर करने की सबसे अच्छी दवा थूजा ही है। आप थूजा का सेवन करके लटकने वाले यानी पेडेंकुलेटेड वॉट्स को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि झुंड में मस्से,
महीन महीन मत्स्य पूरे झुंड में एक जगह पर आ गए हैं। वह कंडीशन यदि है तो उसको दूर करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फेरम पिक्रेटम। आप फेरम पिक्रेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो झुंड में मत्स्य जगह जगह उभर रहे हैं वह ठीक हो गए और आप लाभ पा गए। फिर दूसरी स्थिति आती है साथियों, जब आपके चेहरे पे बड़े मत्स्य हैं, चेहरे नेक यहाँ कहीं एक झुंड में मत्स्य हैं, खूब सारे मत्स्य हैं और वो बड़े फ्लैट हैं, लटकने वाले नहीं हैं, फ्लैट हैं, अगर वह स्थिति आप में है तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा कॉस्टिकम है। आप कॉस्टिकम 30 पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 बार यदि ले लेते हैं तो आप देखेंगे या देखेंगी कि करीब 3 महीने से 5 महीने में आपके सारे वार्ड्स चले गए, आपका जो फ्लैट वार्ड्स है वह पूरी तरह चले गए जो कि झुंड में आपके मौजूद हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। कॉस्टिकम के मरीज में एक मेंटल सिम्टम भी होता है पिकुलियर। कॉस्टिकम का मरीज दूसरों के सफरिंग यानी दुख के प्रति सांत्वना बहुत रखता है, तो अगर आप इस तरह के स्वभाव के व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए दवा कॉस्टिकम है। आप कॉस्टिकम को इस्तेमाल करके लाभ पा सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि आपके मस्सों में खुजली बहुत हो रही है। नॉर्मली तो खुजली नहीं होती लेकिन कभी कभी किन्हीं लोगों में खुजली होती है मस्सों में, तो अगर आपके मस्से हैं और मस्से में इनटॉलरेबल खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सबाइना। आप सबाइना 30 पावर में 2-2 बूंद ले सकते हैं, खासतौर से महिलाओं पे बहुत अच्छा काम करती है। जब उनके मस्सों में खुजली बहुत हो तो आप सबाइना 30 लेकर उन मस्सों को भी गिरा सकते हैं, अपनी खुजली को भी दूर कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि ब्लीडिंग वार्ड्स, मस्सों को आपका जब हाथ पड़ा थोड़ा सा उखड़ गए तो उनसे खून बहने लगा, तो अगर यह स्थिति आपके मस्सों की हो गई है, वार्ड्स की हो गई है, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एसिडम नाइट्रिकम। आप एसिडम नाइट्रिकम 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। जब आपके ऐसे मस्से हों जिनसे खून बहता हो और अगर आप अपनी ज़ुबान देखेंगे तो उसमें बीच में एक फरो होगी, एक लाइन होगी, थोड़ा सा क्रैक होगा, वह स्थिति आपके आती है, स्किन में आपके क्रैक्स आ रहे हैं और साथ में मस्से हैं, तो इन स्थितियों की दवा होम्योपैथी में एसिडम नाइट्रिकम है। आप एसिडम नाइट्रिकम 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली लेकर इस स्थिति में निश्चित रूप से लाभ पा सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि वार्ड्स ऐसे हो रहे हैं लग रहा फूल निकल रहा है, मतलब इतनी लेयर्स होती हैं वार्ड्स में, एक कॉलीफ्लावर जो बंधा होता है, बंद गोभी होती है जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं, उस तरह का एक कॉलीफ्लावर नुमा वार्ट हो रहा है, फिग नुमा। तो अगर यह फिग वार्ट जो कॉलीफ्लावर लाइक वार्ट आप में यदि हो रहा है बड़ा सा परतों में, तो उसको गिराने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्टेफिसैग्रिया। आप स्टेफिसैग्रिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, फिग वार्ट जो कि कॉलीफ्लावर की अपीयरेंस दे रहा है उस तरह के वार्ट को आप इससे दूर कर सकते हैं होम्योपैथी में और लाभ पा सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि मस्से लोगों के चिन पे हो गए मरीज के, अगर आपके मस्से फ्लैट हैं और चिन पे टुड्डी पे हो रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हो, आपका पेट खराब रहता है, पेट में गैस होती है, गुड़गुड़ाहट होती है, उस सिम्टम्स पे मस्सों को दूर करने की बहुत कारगर दवा लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके चिन और इस नेक के अराउंड जो मस्से हैं इतने हिस्से में ऊपरी, वह लाइकोपोडियम के इस्तेमाल से चले गए और आपका पेट भी ठीक हो गया। दूसरी दवा साथियों इसी कंडीशन में आती है डलकमारा। डलकमारा 200 पावर की दवा 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, जब आपके चेहरे पर फ्लैट मस्से हैं और वह आपको परेशान कर रहे हैं और वह झुंड में है, तो डलका मारा आपको बहुत फायदा दे देगी, मस्सों को खत्म कर देगी। फिर एक स्थिति आती है कि आपके हथेली पे वार्ट्स हो गए, तो अगर आपके हथेली पे वार्ट्स हो रहे हैं, आपके पाम्स पे वार्ट्स आ गए हैं, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रम्यूर। आप नेट्रम्यूर 1 mg पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं, उससे आपके जो पाम्स में वार्ट्स हो रहे हैं, हथेली में वार्ट्स हो रहे हैं, वह खत्म हो जाएंगे। फिर एक स्थिति आती है कि आपके माथे और सर पे मस्से हो गए,
तो अगर यह आपकी स्थिति है कि वह मस्से आपके माथे और सर पर हैं, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सीपिया। आप सीपिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपके सर में होने वाले मस्से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगी। फिर एक कंडीशन आती है जब आपके चेहरे पे मस्से भी हैं और तिल भी हैं, यानी मोल्स भी हैं और वार्ट्स भी हैं। अगर दोनों चीज़ें आपके एक साथ पाई जा रही हैं आपके चेहरे पे, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सीपिया। यह खास तौर से महिलाओं पे बहुत अच्छा काम करती है। सीपिया 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके मस्से पूरी तरह से गायब हो गए, आपके मोल्स भी गायब हो गए सीपिया के इस्तेमाल से। सीपिया का मरीज़ थोड़ा दुबला पतला सा होता है और उसमें वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, उसको रोना बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर इस स्थिति से आपने को रिलेट करते हैं तो सीपिया 30 आपके ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर एक स्थिति आती है कि आपके शरीर में सख्त वार्ट्स हैं, कड़े वार्ट्स हैं और वह पेनफुल हैं। तो अगर आपके हार्ड पेनफुल वार्ट्स बॉडी में हों, तो उन वार्ट्स को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फर। सल्फर 1 mg की 3 खुराक आप 5-5 मिनट के फासले पे वीकली ले लें। अगर आपके सख्त वार्ट्स हों, चुभन वाले वार्ट्स हों, आपको खाने में मीठा बहुत पसंद हो, नहाना आपको न पसंद हो, आपको सर्दी ज़्यादा लगती हो, तो सल्फर से आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कि आपके बहुत छोटे छोटे खूब सारे नुकीले वार्ट्स हैं और वह चुभन पैदा कर रहे हैं। अगर यह स्टिंगिंग की स्थिति आपके वार्ट्स में पाई जा रही है, तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वो व्यक्ति ले सकते हैं, खास तौर से महिलाएं ले सकती हैं जो फेयर फैट एंड फ्लैबी हैं, यानी थोड़े मोटे थुलथुल और गोरे रंग के हैं। उनके सर से पसीना बहुत आता है और उनके या स्टिंगिंग वाले चुभन वाले मस्से हैं, तो उसके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस कैल्केरिया कार्ब है। यह दवा आपके मस्सों को ख़त्म करके, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करके आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है कि आपके मस्से और उनमें दर्द हो रहा है, आपके फ्लैट मस्से हैं और उसमें दर्द हो रहा है, तो अगर वह स्थिति आप में है तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रूटा जी। रूटा जी 200 पावर की 3 खुराक आप 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आप देखेंगे कि आपके मस्से भी चले गए जो कि बहुत पेनफुल थे, और कभी कभी रूटा के पेशेंट को जॉइंट्स में भी पेन होता है, तो वह भी साथ में खत्म हो जाएगा। फिर एक स्थिति आती है कि आपके बैक ऑफ द हैंड, यहाँ पर आपके मस्से आ गए। यहाँ के लिए तो नेट्रम्यूर हमने बताई, और अगर आपके यहाँ पे मस्से आ रहे हैं तो इसको दूर करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है डलकमारा। आप डलकमारा 200 पावर की 2-2 खुराक दिन में 3 बार लेते रहें। आप महीने से 2 महीने 3 महीने में देखेंगे कि आपका हाथ बिल्कुल साफ हो गया, आपके सारे मस्से ख़त्म हो गए और आपको लोगों से हाथ मिलाने में या हाथ जोड़ने में तकल्लुफ नहीं महसूस हुआ। यह स्थिति डलकमारा आपकी उत्पन्न करने में बिल्कुल समर्थ है, इसको आप लेके लाभ पा सकते हैं। फिर एक मस्सों की स्थिति आती है कि मस्से आपके पैर के तलवे में हो गए हों और वह आपको परेशान करें, आपको चलने नहीं दे रहे हों, तो उस स्थिति में कि चाहे आपके पैर में गुखरू हुए हों या पैर में मस्से हुए हों जो कि बहुत पेनफुल हों और आपको बिल्कुल नहीं चलने दे रहे हैं, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में कारगर दवा है एंटीम क्रूड। आप एंटीम क्रूड 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि जो हाईली पेनफुल मस्से हैं आपके पैर के तलवे में, वह ठीक हो गए और साथ में अगर गुखरू हैं तो वह भी ठीक हो गए। उसको ठीक करने के लिए आप एंटीम क्रूड का इस्तेमाल कर लें, आपको अवश्य लाभ होगा। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपको वार्ट से नॉन सर्जिकल रूप से परमानेंट रूप से मुक्ति दिलाने की। मैं आपको फिर बता दूं कि कोई भी दवा जो इस वीडियो में या किसी भी हमारे वीडियो या किसी भी चैनल में बताई गई हो, किसी अन्य व्यक्ति के भी कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि दवाएं सिम्टम के हिसाब से भिन्न हो सकती हैं, अपने आप एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर आप व्हाट्सएप कर सकती हैं। आपको
आपके सवाल का संतोषजनक जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।